हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि आपको पता है, टिकटॉक पे बाजीगर मैं बाजीगर इस साउंड काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। इस साउंड पे एक भाई ने वीडियो बनाया था जिसके वीडियो पे 22 मिलियंस व्यूज आ चुके हैं और लाइक्स यहाँ पे 3 मिलियंस क्रॉस कर चुका है। यदि आप इस साउंड पे अगर यूज करते हैं और कुछ अलग सा डिफरेंस यदि वीडियो अपलोड करते हैं टिकटॉक पे, तो आपके वीडियो पे भी काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आने के चांसेस है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस साउंड पे बिजली इफेक्ट वाले वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। जो भाई ने वीडियो बनाए हैं, इसके वीडियो पे भी देख रहा हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज बढ़ रहा है। तो आज मैं आपको बताऊँगा इस तरह के वीडियो स्टेप बाई स्टेप कैसे बना सकते हैं और कैसे एडिट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक और काइन मास्टर अप्लीकेशन का लिंक दे चुका हूँ, दोनों को डाउनलोड करना है। इसके बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर अप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पर आना है और आपने जो वीडियो फर्स्ट पार्ट का शूट किए थे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले आपको ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है और आपको यहाँ पे देखना है हमारा वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है उसे हम ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट का वीडियो किस तरह से शूट करना है वो आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। तो सिंपल शॉर्ट या टी शर्ट लेना हाथ में, कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ आपको फेंक देना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट का वीडियो शूट हो चुका है। इसके बाद आपको मैं रखना कहाँ तक का पार्ट हो मैं बताता हूँ। वीडियो को प्ले करेंगे, कुछ इस तरह से आना है और जो लास्ट ऊपर की साइड जैसे ही दिखता है इस पोजिशन में आना है। इसके बाद जो लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे अगेन और इस लास्ट पॉइंट पर आना है और आपको यहाँ पे डिलीट के ऊपर एक कैप्चर का ऑप्शन मिल जाता है, कैप्चर एंड सेव का। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और एक इमेज जो है कैप्चर कर लेना है। ये इमेज जो आपको गैलरी में सेव हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट आना है और आपको यहाँ पे दो बार आपको कुछ इस तरह से एडिटिंग करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो को प्ले कर किस तरह से आपको वीडियो को शूट करना है। मेरा वीडियो सेकेंड पार्ट का वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे। तो फाइनल मैं प्ले करता हूँ। फर्स्ट बार आपको कुछ इस तरह से ट्राई करना है और सेकेंड बार आपको कुछ इस तरह से ट्राई कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो आपका सेकेंड पार्ट का भी शूट हो चुका है। इसे हम फिर से स्पीड टू प्ले हिट करते हैं और थर्ड पार्ट का वीडियो आपको कुछ इस तरह से शूट करना है। जैकेट या टी शर्ट जो ऊपर फेंके थे आपको कुछ इस तरह से पहन लेना है। पहन लेने के बाद कुछ इस तरह से आपको एडिटिंग करना है। तो मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाते हैं। हाथ ऊपर की तरफ करना है और नीचे की तरफ आपको हाथ लेकर आना है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा पार्ट को मैं ट्रिम टू पहले लेफ्ट करता हूँ, इसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको। कुछ इस तरह से आपको शूट कर लेना है, ठीक है। और यहीं तक का आपको पार्ट चाहिए। इसके बाद स्पीड टू प्ले हिट करते हैं, आपको देखना है ऊपर आपको कहाँ तक के हाथ लेके जा रहा है। यहीं तक का इसे हम लेफ्ट करते हैं, इसके बाद आगे की तरफ करेंगे और यहाँ पर आपको जहाँ पर आप देख सकते लास्ट पॉइंट में मैं दिखाता हूँ, जैकेट पर हाथ रखे यहीं पर आपको हाथ रखना है और आपको कुछ इस तरह से रोटेट होना है, ठीक है। सिंपल आपको देखना है कहाँ से आप घूमने के स्टार्ट करते हैं। यहीं पे आ रहे हैं, यहाँ पे पकड़े और यहाँ से आपको घूमना है, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ से हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक साइड ट्रिम टू लेफ्ट करते हैं कुछ इस तरह से और इस पोजीशन में आपको आ जाना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो यानी थर्ड पार्ट तक वीडियो आपको कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहीं तक हमको फर्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट तक वीडियो चाहिए। इसका जो भी एक्स्ट्रा पार्ट मैंने शूट कर लिया इसे हम डिलीट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो हमने सेकेंड पार्ट का वीडियो शूट कर रखा है उसे हम सेलेक्ट करते हैं। मीडिया पर आते हैं और सेकेंड पार्ट का जो वीडियो मैंने शूट किया उसे हम सेलेक्ट करता हूँ। तो वीडियो रॉन्ग शूट हो गया था, इसे हम सबसे पहले रोटेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने रोटेट कर लिया और सेकेंड लास्ट पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से शूट करना है। सिंपल उसी पोजीशन में आना जैसे कि आप लास्ट वीडियो में थे। इसके बाद यहाँ इस पोजीशन में आना है और लेफ्ट साइड का पार्ट को ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे कुछ इस तरह से। और इसके बाद आगे की तरफ आना है और आपको इस पोजीशन में आपको जस्ट सामने की तरफ हो जाना है। इसके बाद आपको आगे की तरफ बढ़ जाना है, ठीक है। आगे की तरफ आपको बढ़ जाना है। इसके बाद लेफ्ट साइड का पार्ट को हम रिमूव करते हैं और राइट साइड का पार्ट को भी मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ। इसके बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, इस पार्ट को आपको स्लो मो करना है तो स्लो मो में भी कर सकते हैं। तो आपका वीडियो मैं फाइनल प्ले कर दिखाता हूँ किस तरह से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से मैंने फेंका ऊपर की तरफ, दो बार आपको ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट बार में आपको नहीं पहनना है, सेकेंड बार में आपको कुछ इस तरह से पहन लेना है, ठीक है। तो सेकेंड टाइम में आप जैसे ऊपर की तरफ आप जैसे ही करते हैं नीचे की तरफ तो इस पोजीशन में आना है, ठीक है। और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट करते हैं, इसके बाद कुछ इस तरह से आपको पहन लेना है। इसके बाद फिर से घूमना है, जैसे घूमेंगे तो यहाँ पर रुक रहे हैं, ठीक है। तो रुकना नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है।
यहाँ पे जो जैसे घूम रहे हैं, फर्स्ट बार टर्न ले रहे थे घर में टर्न लेना है, और सेकेंड बार जब टर्न लेंगे तो छत के ऊपर आपको टर्न लेना है, और आगे की तरफ आपको कुछ इस तरह से देखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको बिजली इफेक्ट देना है, तो वो भी मैं बताऊँगा कैसे आपको ऐड करना है। इससे पहले हम बैक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन ओपन करना है, बैकग्राउंड इरेजर। इसके बाद लोड फोटो पे क्लिक करना है। इसके बाद जो अपने इमेज कैप्चर किए थे उस इमेज को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इसे आपको डन करना है। इसके बाद मैजिक पे क्लिक करेंगे, और कुछ इस तरह से आपको जो आपको शॉर्ट शॉर्ट दिख रहा है उसे आपको PNG में सिर्फ कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको आराम से करना है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो यहाँ पे आपको 3 से 4 मिनट आप टाइम दे देना, जितना टाइम दोगे उतना बढ़िया से आपको PNG में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद डन करेंगे, इसके बाद सेव करेंगे। ये इमेज आपको गैलरी में सेव हो चुका है PNG में, इसे बैक करेंगे। फिर से आपको काईमास्टर एप्लीकेशन ओपन करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। इसका जो इमेज आपने PNG में सेव किए थे उस इमेज को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आपको जूम कर लेना है, इसके बाद डन करना है। इस वीडियो के लेयर पे क्लिक करेंगे और लास्ट पॉइंट पे आना है, और एक्स्ट्रा पार्ट जो लेफ्ट साइड का उसे हम ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे। इसके बाद इस इमेज को आगे तक लेकर आना है, और इस इमेज को आपको कहाँ तक रखना है वो मैं बता देता हूँ। ये सेकेंड टाइम जैसे कि हम यहाँ तक पहनते हैं, इस पोजिशन में आपको रखना है। इसके बाद ट्रिम टू राइट करेंगे, ठीक है। अब प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट टाइम ट्राई किए नहीं पहने, और सेकेंड टाइम जैसे आप ट्राई करेंगे तो आप जो शॉर्ट है वो आपको कुछ पहन लेंगे कुछ इस तरह से। इसका रोटेट हुए छत पे आ गए। इसके बाद आगे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर बिजली इफेक्ट देना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक और वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट करना है। और इस वीडियो में स्टार्टिंग का पार्ट कुछ एक्स्ट्रा है, उसे हम ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे। वीडियो पर प्रेस करेंगे, कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर देना है, इसे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से इसे आपको जूम कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का, सिंपल आपको इनेबल करना है। कलर की पे आना है, ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है, इसे आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट आपको कर देना है। इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आना है, एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है। अब वीडियो प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे, ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, स्ट्रैक्ट आइडियो करना है, वीडियो पर क्लिक करेंगे, इसे आपको डिलीट कर देना है। एक देख सकते हैं नीचे आपको आइडियो आ चुका है। सेटिंग पर क्लिक करेंगे, आइडियो फेड आउट ऑफ करना है। शेयर पर क्लिक करेंगे, HD 720p 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो का साउंड पे वीडियो को अपलोड कर देना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलून चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।